अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दीदी से सनम फ्रॉम टेक्नोसन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की स्टूडियो में आपको दिखाऊंगा तीन बेस्ट ऐप्स अगर आपके मतलब जो आपके एंड्रॉयड फ़ोन में मस्ट होनी चाहिए। तो दोस्तों, आजकल आप सभी को मालूम है कि आप मतलब हर बंदा चाहता है कि उसे अपना काम जो है वो ज़्यादातर अपने काम जो है वो अपने एंड्रॉयड फ़ोन से ही निपटा ले। और अगर कई आप आपके डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर अपनी शनाख्ती कार्ड की कॉपी एक फ़ोटो कॉपी कराना चाहते हैं तो ये भी आप मतलब एक काफ़ी काम ज़रूरी हो चुका है हमारी लाइफ में। डॉक्यूमेंट्स जो हैं अगर आप कोई प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मतलब अपने मोबाइल फोटो बाहर से खिंचवानी पड़ती है डॉक्यूमेंट्स की, लेकिन अब आप दोस्तों अपने मोबाइल फ़ोन से ही खींच सकते हैं। तो वो किस तरह खींच सकते हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। और इसी के साथ साथ आपको दो और ऐसी कमाल की ऐप्स दिखाने वाला हूँ जो आपके एंड्रॉयड फ़ोन में होने चाहिए। दोस्तों, जो पहली ऐप है वो है ये कैम स्कैनर CS, जहाँ पे लिखा हुआ है ये कैम स्कैनर ऐप है। तो दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका कमाल, इस ऐप का, कि इससे आप क्या कर सकते हैं। तो जब आप इसे फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का आएगा। लो, ओपन सेकेंड कीजिए, इसको करेंगे कैंसिल। कैम स्कैनर और ये स्टार्ट स्कैनिंग पे क्लिक की यार, इसको परमिशन जो है वो आपको लो करनी पड़ेंगी अपनी सेटिंग्स पे जाके। परमिशन अलो करके कैमरा ओपन सेटिंग्स, इसको कर दिया है हमने, इसको जो है वो कर दी है। तो दोस्तों, करने के बाद आपने कैमरे के पे दबाना है और आप कोई भी चीज़ आ सकते हैं। मतलब मैंने तो ये ईयरिंग का बॉक्स है इसको किया हुआ है, तो ये अभी मैंने किया हुआ डॉक्यूमेंट्स पे। इसके बाद आप कर सकते हैं एक RD कार्ड या फिर पासपोर्ट भी, उसके बाद कर सकते हैं आपके QR कोड भी, आप किसी भी चीज़ का कर सकते हैं। तो इस पर अगर हो तो मैं कर दूँ। बेसिकली इसे QR कोड नहीं बोलते, तो यहाँ पे मेरे पास QR कोड नहीं मौजूद, लेकिन मैं अभी यार आपको QR कोड दिखा देता हूँ, एक मिनट बस। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स आप कुछ इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक बुक का पेज मेरे पास सामने ओपन है, तो इसकी मैं पिक लूँगा और आपको दिखाऊँगा कि आप किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स को इससे अच्छी तरह कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप करेंगे तो कुछ इस तरह का प्रोसेसिंग आएगी। तो इससे आप इस ऐप से दोस्तों ये कमाल है कि आप इसे ज़रा अच्छी डायरेक्शन में जो है एक साइज़ में ला सकते हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से बिल्कुल बगैर कोई ख़राबी के एक अच्छा प्रिंटर निकाल सकते हैं। और उसके बाद आप टिक पे दबा दीजिए और देखें कितनी बेहतर हो चुकी है। बरा और ये बाद में आपको फ़िल्टर भी आपको दिखाएंगे, आप देखें ये ओरिजिनल है और ये फ़िल्टर्स मन को इतना बेहतर कर दिया। मतलब ये देखें दोस्तों, आप इसका पहला कि मैंने इतनी जो फोटो है इसको अच्छी तरह नहीं लिया, कैमरा मेरा हिल रहा था। मोबाइल जो है अगर आपका कैमरा जितना नहीं हिलेगा उतनी अच्छी आपकी पिक आएगी। और उसके बाद दोस्तों, आप और भी काफ़ी चीज़ों की जो है इससे इस तरह की पिक्स वगैरह की जो है ले सकते हैं। और दोस्तों, मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छी ऐप है। तो यार, काफ़ी ऐप्स के मैं रिव्यू करने हैं तो इसको छोड़ते हैं और बाकी दूसरी ऐप पे आते हैं। तो हाँ, इन ऐप्स में से किसी ने मुझे पैसा नहीं दिया, ये भी बात आपको बता दूं कि मैं पेड रिव्यूज़ में बिल्कुल नहीं करता। यार, सब्सक्राइबर आपको मुझे पता ही है, अभी थोड़े से सब्सक्राइबर 20 सब्सक्राइबर भी नहीं है कम्प्लीट, तो मैं कैसे करूँ अभी? अभी तो कोई मिलता ही नहीं है मेरे को, मतलब कोई देता ही नहीं है पेड रिव्यू, कौन देता है इतने छोटे सब्सक्राइबर्स पर। तो आते हैं बैक। तो दोस्तों, जो सेकंड ऐप है ये है वॉलपेपर क्राफ्ट। दोस्तों, वॉलपेपर क्राफ्ट एक काफ़ी अच्छी ऐप है। जेड ऐप का नाम आपने सुना होगा। जेड ऐप दोस्तों वॉलपेपर्स प्रोवाइड करती है आपको, लेकिन और टूल्स भी। ये ऐप अगर आप दोस्तों अगर आप करते हैं फ़ोटो एडिटिंग या फिर आप वॉलपेपर्स के बहुत शौकीन हैं, मतलब आपको वॉलपेपर्स चाहते हैं कि आपके मोबाइल पर डिफरेंट से डिफरेंट आप वॉलपेपर लगाएं, अच्छे से अच्छा वॉलपेपर लगाएं, तो आप या फिर एडिटिंग करती हैं, एडिटिंग के लिए कोई बैकग्राउंड चाहिए, तो वॉलपेपर क्राफ्ट जो है बेस्ट ऐप है यार। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे जो है मिल जाएंगे वॉलपेपर। देखें, जब मैंने ओपन किया तो मेरी डिवाइस जो है Galaxy S5 है, उसने कहा कि ये साइज़ आपकी डिवाइस का, तो ये आपको वॉलपेपर जो है वो इसी साइज़ में मिल जाएंगे। आप साइज़ चेंज भी वगैरह कर सकते हैं। तो गेट स्टार्टेड पर क्लिक करता हूँ मैं, मतलब आपकी साइज डिवाइस का साइज़ चेक कर लेगी, उसके बाद ही आपको वॉलपेपर उसी साइज में दिखा देगी।
अभी यार नेट स्लो है, इस वजह से नहीं आ रहा आपको, जाहिर सी बात है आपको पता होगा कि। और यहाँ पे यार मज़े की बात यह है कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं इनको फ्री में, और वैसे टिक किया और डाउनलोड के बटन पे जो ये है इस पर क्लिक करके इसको आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों टाइम कम है तो तीसरी ऐप पे आते हैं, थर्ड ऐप पे आई मीन। तो थर्ड ऐप जो है वो है हमारी कैंडी कैम। दोस्तों कैंडी कैम का आप सभी को मालूम होगा, मतलब आजकल के ज़माने में दोस्तों ये हर बंदा चाहता है कि उसकी सेल्फी जो है यूनिक रहे, मतलब जब वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करे उस पर काफ़ी लाइक्स आएँ कमेंट्स आएँ, तो हर बंदा चाहता है कि मतलब सेल्फी का ही ज़माना, तो हर बंदा चाहता है कि उसकी सेल्फी एक हमेशा अच्छी लुक में आए और वो अच्छा जो है लुक दे। तो कैंडी कैमरा काफ़ी अच्छी ऑप्शन है बिकॉज ये जो है वीडियो रिकॉर्डिंग में भी आपको हेल्प कर सकता है ये जो कैंडी कैम है, और इसे वीडियो रिकॉर्डिंग भी काफ़ी अच्छी कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको काफ़ी अच्छे फिल्टर्स मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे फिल्टर्स मिल जाएंगे, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यार दोस्तों अगर आप सेल्फ़ी का चेक करें यहाँ पे, तो सेल्फ़ी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी इस कैमरा में आपके मोबाइल के नस्बत, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे जो है इनके इफ़ेक्ट्स आपको इधर मिलेंगे। तो जो वीडियो रिकॉर्डिंग को भी आप इधर से कर सकते हैं, ये वीडियो का बटन आप इस पर क्लिक कीजिए तभी आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। आप इसको देखें, आप फ्रंट कैमरा भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं कितने अच्छी लुक से, मतलब कितना अच्छा आपको, आप देख सकते हैं कितना अच्छा इंटरफेस आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, टॉप 3 ऐप्स भी पसंद आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना अपने प्यारे का ख्याल रखिएगा।